Action. Rohan Kumar. Rohan. मुझे याद है वो दिन जब रोहन पहली बार मेरी क्लास में आया था और मोना को भी दाखिला लिए थोड़े ही दिन तो हुए थे। इन दोनों बच्चों के साथ एक टीचर के रूप में मेरा नया जन्म हुआ था। यास्मीन प्रेजेंट मैम। आपको
बोला था ना जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको वही लिखना है। आपको समझ नहीं आया? मुझे लगता था मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, सब बच्चे झटपट सीख जाते हैं, तो फिर रोहन और मोना क्यों नहीं? शायद सब्र की बहुत कमी थी मुझ में। अगर आज भी मोना और रोहन ने कोऑपरेट नहीं किया तो क्या करूँ मैं दोनों बच्चों के साथ? सुनते ही नहीं है। कोई तो तरीका होगा ना इन दोनों को समझाने का। मोना कुर्सी पर झूलती रहती, अपनी पेंसिल छीलती रहती और रोहन पूरी क्लास में चक्कर लगाता रहता था। सब बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 130 अबाउट चिल्ड्रन। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर बैकवर्ड रोहन और मोना से सब बच्चे परेशान हो गए थे, मैं खुद भी। ऐसा नहीं था कि बाकी बच्चे शरारते नहीं करते थे, पर रोहन और मोना रोकने पर भी नहीं रुकते थे। कोई बच्चा उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होता था, इसलिए तंग आकर मैंने रोहन और मोना को एक साथ बिठा दिया। तो बच्चों आज मैं आपको यूनिट टेस्ट का सिलेबस लिखवा रही हूँ, हाँ 2020 मार्क्स का होगा ये। फटाफट से सब लोग अपनी डायरी निकालेंगे और उसमें नोट करेंगे, ठीक है? सब लोगों को साल मेरी क्लास में कुछ न्यू एडमिशन्स हुए हैं, सारे बच्चे ठीक हैं, आपस में घुल मिल गए हैं, बस दो बच्चे रोहन और मोना किसी से बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनको हैंडल करूं, कैसे उनको समझाऊं कि वो मेरी बात समझ जाएं। सर मोना बहुत शांत रहती है, पता नहीं अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, और रोहन पूरी क्लास में शरारते करता रहता है, बात ही नहीं सुनता है। और कल तो उसने हद ही कर दी सर, मोना को इतनी जोर से काटा। अलका जी
आप तो बहुत काबिल टीचर हैं। आपने ऑटिज्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और अब बारी है इसको प्रैक्टिकल करने की। ऑटिज्म की कंडीशन में ये बच्चे दूसरे लोगों से मिलने में काफी परेशानी फील करते हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, इनमें कुछ खामियां भी होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। आम बच्चों की तरह इनमें भी जानने की जिज्ञासा भी होती है। आप इन्हें तस्वीर दिखाइए, आप इन्हें वीडियो दिखाइए और कम शब्दों में इन्हें बार बार समझाइए। ये बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं, मुना भी नहीं बना पाती है। और हाँ, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, यानी इनको समझिए और जानिए कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है, साथ ही बाकी बच्चों के साथ इन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है सर, मैं आज से ही कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे मैं? आज हम लोग दोस्ती करेंगे। दोस्ती? यस, आज हम लोग आपस में दोस्ती करेंगे। मैम, मेरे तो पहले से ही दोस्त है। मैम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैम, मेरी तो पूरी क्लास की फ्रेंड है। मैम, मेरा तो पूरा स्कूल फ्रेंड है। ओके ओके, आराम से शो नहीं करेंगे। हाँ, तो मुझसे दोस्ती कौन करेगा? पास में क्लासेस चल रही है ना, शोर नहीं करके हल्के बात करेंगे। ओके ओके, ठीक है, मेरे तो सब दोस्त बन गए। अब किसके दोस्त बनेंगे हम? यस, रोहन और मोना के दोस्त कौन कौन बनेंगे? अरे, आप लोगों में से कोई भी रोहन और मोना का दोस्त नहीं बनेगा? नो मैम। क्यों? मैम, रोहन ने तो मैम मेरी ज्योमेट्री भी तोड़ दी थी, और मैं बताऊं तो मैम मम्मी ने मैम मुझे घर पे बहुत डांटा था। दोस्तों से तो बातें भी करनी पड़ती है, मोना तो कुछ बोलती भी नहीं है। मैम, रोहन तो काट भी लेता है। ओके रोहन, बस देखो बच्चों, झगड़े आपस में होते हैं ना, और फिर मान भी जाते हैं। अब सो हम तुम्हारी लड़ाई रेनू से हुई थी ना? यस मैम। तुम दोनों आपस में फिर से मान गए? यस मैम। और नूर, नूर का तो पूरा स्कूल ही दोस्त है, तो वो तो रोहन और मोना से दोस्ती करेगा नहीं। क्यों? मैम मैम, मैं रोहन से दोस्ती करता हूँ, रोहन तेरी मेरी दोस्ती अब्बा। गुड। मोना से? मैम मैम। तुझसे मैं अलग अलग बिल्कुल नहीं नहीं, तुमसे जुदा जुदा मैं भी नहीं नहीं, तुझसे मैं अलग अलग बिल्कुल नहीं, तुमसे जुदा मैं भी नहीं। और सिर्फ देखे तो दोनों ही एक जैसे हैं, वैसी ही है शरारतें, वैसे ही नेक जैसे हैं। दिल की दूरियां कम कर ले, आओ दोस्ती कर ले, आओ दोस्ती कर ले। बच्चों, दोस्ती का मतलब है हर हाल में एक दूसरे का साथ देना। रोहन और मोना थोड़े से अलग हैं, लेकिन ये तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और काम करते हैं। इसलिए हम सबको इन दोनों को अपने साथ मिलाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, हम सब लोग आपस में बने रहेंगे ना दोस्त?
छुपा रहे हो बेटा? दिखाना रोहन, दिखा। रोहन दिखाना। अरे उसको फोर्स मत करो, खुद दिखा देगा वो। रोहन दिखाओ। मैम रोहन दीदी मोइना। अरे वाह मोइना। और वो कौन है? मैम मम्मी मैम। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, आज हम फिर रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रहे। हाँ लिखा आपने? यस मैम। देखो रोहन फिर से ड्राइंग बना रहा है। नूर शिकायत नहीं करते बेटा। अरे दिखाओ रोहन क्या बनाया आपने। वाओ रेनबो। अरे वाह मैम, पर यहाँ पर तो सेवन लिखना था। नूर अच्छा बच्चों, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? एग्जैक्टली रेनबो में होते हैं 7 कलर्स और रोहन ने वही बनाया है। रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट यू नो। रोहन इज इंटेलिजेंट। मैं अब अपने सभी बच्चों को समझने लगी थी। सोहम को खाना बहुत पसंद था, यास्मीन को डांस करना और मोना। मैंने जाना कि मोना को एक खास तरह की आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए वो बार बार अपनी पेंसिल छीला करती थी। अब जब भी मोना कुछ अच्छा करती, मैं उसे छिलके वाली मूंगफली खाने के लिए देती। वो अब और भी ज़्यादा अच्छे से लिखती ताकि उसे और मूंगफली मिले और वो उसके छिलकों की आवाज सुन सके। okay, बच्चों अब आप सब एक एक करके लाइन में आएंगे और उसके बाद हम लोग प्ले ग्राउंड में जाके खेलेंगे। पहले उठ के चलो तो सही, फिर बताती हूँ। एक एक करके सब लाइन से जाएंगे तो कौन से बचाएगा बाहर। अच्छा ठीक है, वहाँ खिड़की से बैठ के देख लेना। हाँ ओके। मोना पढ़ाई में ठीक चल रही थी, समझ रही थी, लेकिन रोहन का ध्यान तो इंद्रधनुष के रंगों में ही खोया हुआ था। मैंने उसके अंदर के कलाकार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने रोहन की मम्मी से भी इस बारे में बात की, उनको रोहन की इस कला के बारे में बताया और अब उनको भी रोहन की आंखों के सपने साफ साफ दिखाई देने लगे। रोहन मेरे पास 3 साल रहा,
और उसके बाद उसकी मम्मी का ट्रांसफर हो गया और वो चला गया। मोना से तो अब भी मिलना होता है। मगर रोहन, इस दुनिया की भीड़ में न जाने कहां खो गया था। मैम, रोहन, गुड, हाउ आर यू? फाइन। पेंटिंग रोहन, मम्मी मैम, मम्मी मैम। और आपने मुझे तो पहचाना ही नहीं। मैं नूर? हाँ मैम, आप ही नहीं तो बात है, साथ रहना हमेशा दोस्तों की तरह। सीखने की राह पर? हाँ मैम। तुमने दोस्ती निभाई है। हाँ मैम, दोस्त बना नहीं तू, अकेला नहीं मैं, आधा नहीं तू, अधूरा नहीं मैं। बाट के जो चले साथ में, हम अपने आप को लड़खड़ा जाए तू, बढ़ा दूं मैं अपने हाथ को।